सचिन पायलट की जन संघर्ष पद यात्रा आज अजमेर आरपीएससी से पद यात्रा शुरू होगी। सचिन पायलट क्या कुछ कह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी को सत्ता में हम लेकर आए, ये आश्वासन दिया जनता को कि सत्ता में आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अभी दो दिन पहले कर्नाटक में चुनाव पूरे हुए, वहां की भाजपा सरकार को हम सब ने कहा और सही कहा कि ये 40% की सरकार है, ये कमीशन खोर सरकार है। और उसी का कारण है जब कर्नाटक में मतदान हुआ, आज हमारी पार्टी को बहुमत मिल रहा है वहां पर, तो इसलिए मिल रहा है। हम भाजपा को इसलिए आजाद किया, कांग्रेस हम सब लोग जनता के बीच गए, अपनी बात को रखा और जनता ने आज मन बनाया कि भाजपा सरकार की विदाई तय करी कर्नाटक के अंदर। मैंने 3-3.5 साल तक इंतजार करने के बाद हमारी सरकार को, सम्मान्य मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने आवेदन किया उनको, मैंने कहा आपने और हमने मिलकर जो तमाम आरोप लगाए थे, अब लगभग 3.5 साल हो गए, इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन आरोपों की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं 1.5 साल तक चिट्ठी लिखता रहा, मैंने कभी सार्वजनिक रूप से इस बात को नहीं कहा, चिट्ठी लिखी, दोबारा लिखी, याद दिलाया, आग्रह किया, आवेदन किया, लेकिन ना तो जवाब आया। मौन व्रत रखा और 1 दिन का अनशन किया, ये कहा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम आरोप लगे थे, हमने लगाए थे, भ्रष्टाचार हुआ था, उसकी जांच करें। आज से ठीक 1 महीने पहले, जबान की कीमत होती है और आप लोग अच्छी तरह